नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। टीम बनाओ, पैसे कमाओ, खूब खेलो, खूब जीतो। क्रिकेट के आईपीएल फॉर्मेट को लेकर ऐसे कई रजिस्टर्ड ऐप इन दिनों बाजार में मौजूद हैं और प्रचार के माध्यम से अपना दबदबा बनाकर बड़े स्तर पर व्यापार भी कर रहे हैं। मगर इस बीच बाजार को कैश करने के लिए छोटे शहरों से लेकर सुदूर कस्बाई इलाकों तक लोकल स्तर पर भी सट्टा बाजार का एक बड़ा व्यापार फल फूल रहा है, जो पूरी तरह अवैध है और इसमें बड़े पैमाने पर लोग सब कुछ लुटा कर बर्बाद भी हो रहे हैं। पुलिस ने सहायक थाना, नगर थाना और बलिया बेलौन थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए आईपीएल के माध्यम से सट्टा बाजार के रैकेट संचालन का पर्दाफाश किया है। कटिहार से जुड़े मामले का खुलासा करते हुए सदर DSP ओम प्रकाश ने कहा कि क्रिकेट मजा नाम के ऐप के माध्यम से कटिहार में रैकेट संचालन हो रहा था। पुलिस ने जब पिछले कई दिनों से रेकी के बाद सहायक थाना क्षेत्र के इस अवैध सट्टा बाजार के मास्टरमाइंड दुर्गा साह और उसके सहयोगी अमित पासवान को सहायक थाना क्षेत्र के ललिहाई मोहल्ले से गिरफ्तार किया तो धीरे धीरे राज खुलने लगा। इसके बाद पुलिस ने नारायण तिवारी को मोफरगंज करेरी टोला और फिर चंद्रनायक और चुन्ना नायक को नया टोला से गिरफ्तार किया है। आगे इन लोगों के निशानदेही पर बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के कपिल देव साव को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से कुल 4,65,500 रुपया नगद, 3 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 2 टैब, अलग अलग बैंकों के 11 पासबुक, 6 ATM कार्ड, 2 डेबिट कार्ड भी बरामद किया है। आगे इस रैकेट के जुड़े सट्टा बाजार का खुलासा करते हुए DSP ओम प्रकाश ने कहा कि पुलिस को जो प्रारंभिक जानकारी मिली थी उसमें क्रिकेट मजा के नाम पर एक ऐप के माध्यम से कटिहार में आईपीएल से जुड़े सट्टा बाजार का संचालन हो रहा था। इसमें कई तरह से रुपया का खेल होता था। चर्चा यह है कि सट्टेबाज पूरे क्रिकेट मैच के दौरान बॉल टू बॉल रुपये के खेल का संचालन करते थे। करोड़ों करोड़ के इस कारोबार में सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि महानगरों से इस अवैध सट्टा बाजार के आकाओ की भी जुड़ाव की बात पर पुलिस पूरे नेटवर्क खंगालने की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में पुलिस के पास कुछ और लोगों के नाम भी आया है, लेकिन जांच की गोपनीयता के कारण पुलिस इसका खुलासा नहीं करना चाहती। DSP ओम प्रकाश ने कहा कि हो सकता है कि आगे इस मामले में और कई बड़े हस्तियों का भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में गिरफ्तार सट्टेबाज भी पूरे खेल का खुलासा कर रहे हैं। सट्टेबाज बता रहे हैं कि कैसे आईपीएल मैच के दौरान कटिहार में हर दिन करोड़ों की बाजार से जुड़े महफिल सजती है और स्थानीय स्तर के साथ साथ कैसे महानगर में बैठे आका इसका संचालन करते हैं। फिलहाल गिरफ्तार सभी लोगों ने इस रैकेट में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली है। जेंटलमैन गेम क्रिकेट के दौर की चर्चा के बाद आईपीएल क्रिकेट के इस फॉर्मेट को लेकर भी पहले ही कई विवाद हो चुके हैं। हालांकि खेल के इस प्रारूप पर हम कोई सवाल नहीं उठाते, मगर इस चकाचौंध क्रिकेट के पीछे जो एक अंधेरी दुनिया से जुड़े अपराध का बाजार पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार को कोई कठोर उपाय अपनाना पड़ेगा। नहीं तो कुछ लोगों के अमीर बनने की इस खेल में समाज का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। IPL क्रिकेट मजे सट्टेबाजी का काम करते हैं और इनमें कई लोग जुड़े हुए हैं और मैच जब स्टार्ट होता है इसमें रेट खुलता है, इसमें 80-90 का रेट खुला। जैसे CSK चेन्नई का मैच हुआ तो इसमें रेट अगर खुला 10,000 का 8,000 मिलता है, अगर राजस्थान हल्का है तो उसमें कम मिलता है पैसा। तो इसी माध्यम से हम लोग काम करते हैं, इनमें कई लोग जुड़े हुए हैं इनमें और कटिहार में भी काम होता है और कटिहार से बाहर भी काम होता है और एक पर्सनल रूम रखे हुए काम करने के लिए जिसमें 10 से 12 मोबाइल का यूज होता है उसमें और हर मिनट में काम होता है और उसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। कई लोग जुड़े हुए हैं इस सिंडिकेट में। सहायक पुलिस और मुझे भी ये गुप्त रूप से जानकारी हुई कि कटिहार शहर में और सहायक थाना क्षेत्र में सट्टेबाजी का गुप्त रूप से IPL में यूज हो रहा है और काफ़ी लोग ठगे जा रहे हैं और उसमें सट्टेबाजी में जो माफिया लोग हैं उनकी आमदनी काफ़ी हो रही है। तो ये सूचना पे लोगों ने ललियाई में दुर्गा साह के घर पे जो समय का मास्टरमाइंड हम लोग को जानकारी हुई थी उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से रुपया, मोबाइल, लैपटॉप और बरामद किया गया।
उसके स्वीकृति बयान के आधार पे और भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई जिन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके कन्फेशन के आधार पर दूसरे सब डिवीजन में बलिया बेलोन थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की और बरामदगी की। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें एक दुर्गा साह हुए, दूसरा अमित पासवान, तीसरा नारायण तिवारी, चौथा चुन्ना नायक और कपिल देव साह बलिया बेलोन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार की गई। क्या क्या बरामद है? इसमें नगद रुपया 4,65,500 है, 3 लैपटॉप, मोबाइल 16, टैब 2, पासबुक 11, ATM 6, क्रेडिट कार्ड 2। कैसे इस गेम का संचालन होता है, क्या प्रारंभिक जांच में क्या? प्रारंभिक जांच में आया कि ये लोग मोबाइल पे लैपटॉप पे क्रिकेट मजा नाम का ऐप लोड है जिसमें वो लोकल लोग को जोड़ के और इसमें सट्टाबाजी का कार्य करते हैं और इसमें और भी कुछ डिटेल बात प्रकाश में आई है जो हम लोग आगे अनुसंधान में और टेक्निकल अनुसंधान में लाएंगे, उन लोगों की भी गिरफ्तारी जानकारी होने पे की जाएगी। और इसमें एक और चीज़ की जानकारी हुई है कि दुर्गा शाह के ऊपर भी कुछ और मास्टर माइंड है जो लोग भी सट्टेबाजी में और भी लिप्त हैं और आम जन इससे ठगे जा रहे हैं, हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। और कितने लोग इसके दायरे में आ रहे हैं? कई लोग दायरे में हैं और हम लोग नाम अभी आपके सामने खुलासा नहीं कर सकेंगे, नहीं तो हम लोग गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। क्या महानगरों से भी इसका जुड़ाव है? ये अनुसंधान का विषय है और हम लोग को लगता है कि ये स्टेट के बाहर से भी इसका कनेक्शन है, लोग मिले हुए हैं जो अनुसंधान में बात प्रकाश में आएगी। सर ये एक नया खुलासा, क्या अपील करते हैं कटिहार पुलिस, क्या अपील करेंगे जो इस तरह का? कि आम जनों से अपील है कि ये सट्टाबाजी के चक्कर में नहीं पड़े, जिसे आप अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठेंगे उसका उपयोग सट्टेबाजी में करें। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।